तो यार गर्मियां आ गए हैं और एक नए रैकेट का रिव्यू भी आ गया है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक्स फोर्स कैनन की। यार रोम रोम भाइयों, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे इस रैकेट के रिव्यू के बारे में, तो यार इसलिए मैं आपके लिए रिव्यू ले आया। सो सबसे पहले इस रैकेट के ओवरऑल डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेम के टॉप मोस्ट साइड पे आपको सिल्वर, पिंक और सियान कलर में थोड़े डिजाइन देखने को लिए मिल जाएंगे। दोनों ही साइड सिमिलर से डिजाइन है और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक से डिजाइन लगते हैं। बॉटम ऑफ द फ्रेम अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे बड़ा बड़ा एक्स फोर्स लिखा हुआ है और अपोजिट साइड लिखा हुआ है सोनिक बूम सिस्टम और हाई कार्बन, और हाई कार्बन के जस्ट नीचे लिखा हुआ है कैनन, वो भी डॉटेड पैटर्न में, जो तो यार काफी अच्छा डिजाइन है इस तरफ से। अगर मैं इसके टी जॉइंट की बात करूं तो यार टी जॉइंट में आपको लीनिंग का लोगो बना हुआ दिख जाएगा। बात कर लेते हैं इसके शाफ्ट की, तो शाफ्ट में बड़ा सा एक्स फोर्स कैनन लिखा हुआ है अच्छे से डिजाइन में, और उसके साइड में जस्ट चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ नहीं सकता। और उसके जस्ट साइड में यहाँ पे आपको लीनिंग का लोगो मिल जाएगा पिंक कलर में, और उसके साथ लिखा हुआ है पावर, और साथ में 7mm। ये बताता है कि इसकी शाफ्ट की थिकनेस 7mm है, एसटीडी मॉडुलस ग्रेफाइट की क्वालिटी बताई है, और साथ में लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल शाफ्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रैकेट है। के जस्ट अपोजिट साइड मूव करेंगे तो बस आपको थोड़े से पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। शाफ्ट में कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक से डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको फ्रेम पर भी देखने को मिल रहे थे। अगर आप थोड़ा सा रैकेट ट्विस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको इस रैकेट की बेसिक स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी, जैसे 4U इसकी वेट बता रखा है जो 80 से 84 ग्राम्स के बीच में होता है, ग्रिप साइज G5 है और मैक्सिमम टेंशन 32 LBS है। यार तो काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, तो यार इसमें डबल एनर्जी कैप मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज में, और बॉटम ऑफ द हैंडल आपको नॉर्मल लीनिंग का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं इस रैकेट की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो यार टेक्नोलॉजी जो इसमें सोनिक बूम इम्पैक्ट दे रखा है, तो उससे इस रैकेट का पंच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब मैं इसे खेल के देख रहा था तो यार काफ़ी ज़्यादा लाइट फील आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी टू प्ले रैकेट है, इसे कोई भी मतलब आराम से पकड़ के खेल सकता, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी सेट हो जाएगा आपके हाथ में। और इसमें कार्बन ग्रेफाइट की टेक्नोलॉजी भी यार बहुत अच्छी यूज़ की गई है, एसटीडी मॉडुलस ग्रेफाइट, जो कि एक टॉप नॉच रैकेट है जब इसमें 32 LBS की मैक्सिमम टेंशन आपको मिलती है। मतलब यार इस रैकेट में जितने भी स्ट्रोक्स मैंने मार के देखे, या तो वो ड्राइव्स हैं, स्मैशेस हैं, हाफ स्मैशेस, क्लियर ड्रॉप्स, ड्रिबल, मतलब यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था इस रैकेट को खेलने में। मतलब जो कोई भी स्ट्रोक्स मैं खेलता हूँ यार बहुत ही ज़्यादा आराम से जा रहे थे। इस रैकेट की स्पेशलिटी बताता हूँ यार, जो लोग एक ऐसा रैकेट ढूंढ रहे थे जो हमें सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए परफेक्ट हो, तो यार आप इस रैकेट की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि यार ये रैकेट अगर मैं ओवरऑल पैकेज के बारे में बात करूं इस रैकेट की, तो यार जबरदस्त रैकेट है। तो यार इस रैकेट में मैंने लगवाई है लीनिंग की नंबर 3 बूस्ट गट, वो भी 30 LBS टेंशन। एक बार आप साउंड जरूर चेक कर लो। तो यार अगर इस रैकेट के पावर और स्मैश के बारे में बात करूं तो यार पावर तो काफी अच्छी है इस रैकेट में, मतलब मैं डिसेंट से बहुत ही ज्यादा ऊपर बोलना चाहूंगा, क्योंकि यार जो ये ब्रैकेट प्रोड्यूस करता है एक अच्छी गट के साथ, और ये जो ओवरऑल पैकेज देता है लाइट फील का जब आप स्मैश मारते हो, वो यार वो जबरदस्त है। पर मिड रेंज में अगर आप कोई रैकेट ढूंढ रहे हो एक अच्छा सा रैकेट, तो यार मेरे हिसाब से आपको इसकी तरफ जरूर जाना चाहिए। इस रैकेट में मैंने प्रेफरेंस करी पिंक गट की यार, क्योंकि लुक्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है ये रैकेट की, अगर मैं इसमें पिंक, क्योंकि ये मैच करता है इसके ओवरऑल डिज़ाइन से। अगर आपको ये रैकेट खरीदना है यार तो नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। इस रैकेट का प्राइस 4700 के अराउंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन 31 मार्च को एक लीनिंग की फ्लैश सेल आ रही है, तो यार इसमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा, सिर्फ वो 24 घंटे तक रहेगी 31 मार्च को, नोट कर लो। और अगर आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए सेल से अलग, तो यार मेरा कूपन कोड लगा सकते हो जो है ANBAD, आपको और भी ज़्यादा लीनिंग के सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अपने लीनिंग के बेस्ट शूज़ की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, लीनिंग ब्लेड प्रो की जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार बस फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।